दोस्तों, वैसे तो महाभारत के बारे में सभी कोई कुछ न कुछ जानते ही हैं, पर महाभारत के कई नायक हैं। कुछ के बारे में हम जानते हैं, पर अनेकों महारथी ऐसे हैं जिन्हें काल के चक्र ने भुला दिया। आज न इन्हें कोई याद करता है, न ही कोई अन्य माध्यम से इन्हें और इनके पराक्रम को न्याय देने का प्रयत्न करता है। महाभारत स्टोरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा की, जिसने न सिर्फ अर्जुन को लगभग मार दिया था, बल्कि भीम, सात्यकी, अभिमन्यु को भी चित कर दिया था। उस योद्धा का नाम था भागदत्त। भागदत्त प्राग ज्योतिष का राजा था, जिसके पिता का नाम नरकासुर था। प्रागज्योतिष एक सुदूर उत्तर पूर्व हिमालय की गोदी में बसने वाला राज्य था। प्रागज्योतिष को अगर हम आज ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो असम के नज़दीक इसे पाएंगे। इसी कारण असम में अनेकों विख्यात संस्थाओं के नाम में प्रागज्योतिषपुर लिखा जाता है। प्रागज्योतिष की सेना किरात और मल्लेच्छों की सेना थी, और उनका राजा भागदत्त गज युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जो हाथी के ऊपर बैठकर किया जाता था। महाभारत काल में गज युद्ध में भागदत्त से बेहतर अन्य कोई योद्धा नहीं था। महाभारत के अनेकों श्लोकों में इसका वर्णन मिलता है। इस प्राग ज्योतिष के राजा को कर्ण अपने दिग्विजय के वक्त जीत लेता है। पितामह भीष्म जब महारथी कर्ण द्वारा पराजित हुई सेनाओं का वर्णन करते हैं तो उसमें प्राग ज्योतिष की सेना भी शामिल थी। भीष्म पर्व के छठे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तब भीष्म पितामह कर्ण से कहते हैं, ओ कर्ण, तुमने पहले ही हिमालय में डेरा डाले बैठे किरातों को, जो अपने भयानक युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं, दुर्योधन का मांडलिक बना लिया है। जैसा कि कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय भागदत्त को पराजित किया था, ठीक उसी तरह जब अर्जुन राजसूय यज्ञ के लिए राज्य जीत रहा था, तब अर्जुन और भागदत्त के बीच में युद्ध हुआ था। 8 दिनों तक लगातार चले इस युद्ध में न अर्जुन जीत सका, न ही भागदत्त। अथक प्रयत्न करने के बाद भी अर्जुन प्राग ज्योतिष को जीतने में असफल था। पर अर्जुन के पिता इंद्र और भागदत्त परम मित्र थे, और इसलिए भागदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया और यज्ञ के लिए उसे शुभकामनाएं भी दी। इस प्रसंग का वर्णन उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। बाद में कर्ण से हारने के कारण भागदत्त को कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। आप जानकर चौंक पड़ेंगे, कुरुक्षेत्र युद्ध के वक्त भागदत्त की उम्र 150 साल थी। फिर भी इस महान योद्धा ने कई बार भीम, सात्यकी और अभिमन्यु को हराया था। द्रोण पर्व के 25वें अध्याय में वर्णित श्लोक के अनुसार अभिमन्यु, भीम और सात्यकी के साथ कई योद्धा एक साथ अकेले भागदत्त को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर फिर भी ये बूढ़ा योद्धा हार नहीं मानता। वो पहले सात्यकी को मार भगाता है, फिर उसका सुप्रतीक नामक हाथी भीम को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक देता है। भीम भी वहां से जान बचाकर भाग जाता है। अभिमन्यु और बचे योद्धा एक साथ भागदत्त पर हमला करते हैं। भागदत्त अकेले सबको रण क्षेत्र से मार भगाता है। द्रोण पर्व के 25वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन महारथी अर्जुन और भागदत्त एक दूसरे के सामने थे। दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध में एक वक्त तो ऐसा आया कि भागदत्त ने अर्जुन को अपने हाथी से लगभग कुचल ही दिया था, पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं और वहां से सकुशल निकाल देते हैं ताकि अर्जुन की मृत्यु ना हो सके। फिर अर्जुन ने भागदत्त के कई अस्त्रों को काट दिया और भागदत्त को घायल भी कर दिया था। तब भागदत्त ने अपने बालों की पिन निकाली और उसे वैष्णव अस्त्र को आवाहित कर दिया। आवाहित वैष्णव अस्त्र का कोई भी तोड़ अर्जुन के पास नहीं था और अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। जैसे वैष्णवास्त्र अर्जुन से टकराता, भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े हो गए। उन्हें देखते ही अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया।
और इस तरह भगवान कृष्ण ने दो बार अर्जुन को भागदत्त के हाथों मरने से बचाया। भागदत्त काफ़ी बूढ़ा योद्धा था, यहाँ तक कि गीता प्रेस की महाभारत के अनुसार उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी कि आँखें खुली रखने के लिए उसे मस्तक पर पट्टी बांधनी पड़ती थी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस वृद्ध योद्धा की अधिक उम्र की वजह से उसकी आँखों पर झुर्रियाँ लटक गई है, इसीलिए ये माथे पर पट्टी बांधकर युद्ध करता है। तब अर्जुन ने अपने एक तीर से उस पट्टी को काट देता और आँखों के ऊपर का मांस आँखों पर आने से वो कुछ नहीं देख पा रहा था। इसी मौके का फायदा लेकर अर्जुन ने भागदत्त का वध कर देता है। कैसा लगा आज का एपिसोड हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।